साल 2005 के बाद कम से कम तीन ऐसे बड़े मौके आए जब बीसीसीआई विवादों में घिरी और उसके कार्यशैली पर सवाल उठे। आईपीएल में फिक्सिंग के आरोप ने बीसीसीआई के साख पर पट्टा लगा दिया। भारत में कैसे काम करता है क्रिकेट बोर्ड, बीसीसीआई की ताकत से लेकर फील्डिंग तक के बारे में आइए मैं आपको बताता हूँ। 50-50 ओवर की विश्व कप मैच के दौरान भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड बीसीसीआई काफी विवादों में रहा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने बीसीसीआई पर पिच को लेकर सवाल उठाया तो भारत के ही पूर्व कप्तान कपिल देव ने फाइनल मुकाबले नहीं बुलाने पर सवाल खड़ा कर दिया। श्रीलंका क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान अर्जुन राणातुंगा ने तो बीसीसीआई के सचिव पर श्रीलंका बोर्ड को बर्बाद करने जैसी गंभीर आरोप लगाए। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब बीसीसीआई विवादों की वजह से सुर्खियों में। साल 2005 के बाद कम से कम तीन ऐसे बड़े मौके आए जब बीसीसीआई विवादों में घिरी और उसके कार्यशैली पर सवाल उठे। आईपीएल में फिक्सिंग के आरोप ने बीसीसीआई के साख पर बट्टा लगा दिया था। फिक्सिंग की जांच करने वाली जस्टिस लोढ़ा कमेटी ने उस वक्त आईपीएल की दो टीमों को सस्पेंड कर दिया। कई खिलाड़ियों पर भी कार्रवाई हुई थी। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई के तत्कालीन अध्यक्ष अनुराग ठाकुर, सचिव अजय सिरके की कुर्सी पर हथौड़ा चला दिया। दोनों पर सुप्रीम कोर्ट का अवमानना का आरोप था। यह पहला मौका नहीं था जब बीसीसीआई के अध्यक्ष को सुप्रीम कोर्ट ने पद से हटा दिया था। बीसीसीआई क्या है, कब हुई थी इसकी स्थापना, चलिए बताते हैं। भारत में क्रिकेट से ब्रिटिश आधिपत्य को हटाने के लिए साल 1927 में नई दिल्ली के एक क्लब में संयुक्त बोर्ड बनाने के प्रस्ताव पर मुहर लगी। उस वक्त 8 प्रदेशों की क्रिकेट इकाई ने इसके गठन का समर्थन किया। 1928-1929 में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से इसे मान्यता मिली। 1940 में बीसीसीआई को एक संस्था के रूप में मद्रास 1860 अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया। आज़ादी के बाद इस क्रिकेट बोर्ड को तमिलनाडु सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1975 के तहत पंजीकृत किया गया। बीसीसीआई का मूल काम भारत में क्रिकेट की गुणवत्ता और मानक को बढ़ाने के लिए नीति निर्धारण करना है। इसके लिए बोर्ड का अपना संविधान और इसके तहत फैसला लिया जाता है। बीसीसीआई को संचालन के लिए इसके मूल संगठन में 5 बड़े पद बनाए गए हैं। पद है अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और संयुक्त सचिव। बोर्ड में नीति निर्धारण की सर्वोच्च इकाई एक्स काउंसिल है। इस बैठक में बीसीसीआई के सभी अधिकारी और भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक अधिकारी शामिल होते हैं। यही इकाई सभी बड़े फैसले लेती है। भारत में बीसीसीआई कैसे काम करता है। भारत में बीसीसीआई का मूल काम घरेलू क्रिकेट को बढ़ावा देना है और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के पैमानों पर खड़ा उतरने के लिए टीम का गुणवत्ता सेट करना है। बीसीसीआई का निधि निर्धारण इसी संबंध में होता है। अंतर्राष्ट्रीय मैच में बीसीसीआई प्लेयर के सिलेक्शन, कोच मैनेजमेंट आदि में अपनी भूमिका निभाता है। वहीं अगर अंतर्राष्ट्रीय मैच का आयोजन हो तो भारत में होता है तो बीसीसीआई की अहमियत बढ़ जाती है। तब स्टेडियम का चयन भी बीसीसीआई के जिम्मे होता है। सिलेक्शन से जुड़े बड़े फैसले बीसीसीआई के एजीएम बैठक में लिया जाता है। यह बैठक पूरी तरह से गोपनीय और आंतरिक होता है। हालांकि इस मीटिंग के कई फैसलों पर समय समय पर सवाल उठता रहा है। हाल ही में विश्व कप के स्टेडियम चयन को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर बीसीसीआई की खरी खोटी सुनाई है। लोगों का आरोप था कि सभी बड़े मैच गुजरात के अहमदाबाद स्टेडियम में ही क्यों कराए जा रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कार्यालय में संयोग कांग्रेस नेता गौरव पाधी ने अहमदाबाद स्टेडियम की पनौती स्टेडियम करार देते हुए फाइनल मैच कराए जाने पर तंज कसा है। सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है बीसीसीआई। हाल के वर्षों में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अपने रेवेन्यू सिस्टम को लेकर भी काफ़ी चर्चा में है। इसी साल राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में भारत के वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि 2018-2022 के दौरान बीसीसीआई को कुल 27,411 करोड़ रुपए से ज़्यादा का राजस्व हासिल हुआ। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में बीसीसीआई का नेटवर्थ 2.25 बिलियन डॉलर। भारत सरकार के मुताबिक बीसीसीआई की कमाई मीडिया राइट्स, स्पॉन्सरशिप और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी के रेवेन्यू शेयरों के जरिए होती है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक बीसीसीआई ने भारत सरकार को 2021-22 में टैक्स के रूप में 1,159.20 करोड़ रुपये चुका है। 2020-21 में आंकड़ा 844 करोड़ था। जानकारों का कहना यह है कि फीफा के बाद बीसीसीआई ही सबसे अमीर खेल संस्था है। फीफा का नेटवर्थ 2.37 बिलियन डॉलर है जो कि बीसीसीआई के नेटवर्थ से 2.25 बिलियन डॉलर से थोड़ी ही ज़्यादा है। कितना पावरफुल है बीसीसीआई ये भी आपको बताते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड एक स्वायत्त संस्था है। इसके प्रशासनिक और वित्त अधिकार से सरकार का हस्तक्षेप न के बराबर है। बीसीसीआई की जनरल बॉडी और एपेक्स काउंसिल ही सारे बड़े फैसले लेती है।
इसके नियम वित्तीय लेन देन को ऑडिट करना है अनिवार्य किया गया है। हर साल अपनी ऑडिटिंग रिपोर्ट बीसीसीआई अपने वेबसाइट पर अपलोड करती है। बीसीसीआई का खेल मंत्रालय ने सूचना के अधिकार पर अधिनियम 2005 के तहत भी रखा है। बीसीसीआई के 5 बड़े पदों का चुनाव उसके प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के सदस्यों द्वारा किया जाता है। संविधान के मुताबिक एक शख्स 3 से ज़्यादा बार एक पद पर नहीं रह सकते। बीसीसीआई पर कार्रवाई का मूल अधिकार इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के पास। आईसीसी किसी भी नियमों का उल्लंघन के आरोप में बीसीसीआई पर कार्रवाई कर सकती है। बीसीसीआई की कार्यशैली पर हमेशा सवाल क्यों उठते रहते हैं, आइए बताते हैं। सवाल यह है कि आखिर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बार बार सवालों के घेरों में क्यों आ जाता है, आइए इसे विस्तार में समझते हैं। राजनीति छांव से बाहर नहीं निकल पाया। वरिष्ठ खेल पत्रकार राजेंद्र साजवान के मुताबिक बोर्ड अभी भी राजनीतिक प्रभाव पर नहीं निकल पाया है। पहले किसी और व्यक्ति और पार्टी का दबाव था, अब किसी और पार्टी और व्यक्ति का दबाव है। साजवान कहते हैं बोर्ड में राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आप देखेंगे तो पाएंगे कई ही पार्टियां, उसमें भी जुड़े लोगों को वर्चस्व, ऐसे में फैसला उसी आधार पर होगा। बहुत ही बातें उठती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात, इतना पावरफुल बीसीसीआई, इतनी सारी जिम्मेदारियाँ, लेकिन अगर उनके ऊपर आरोप लगते हैं तो ये सबसे बड़ी बात है। और भारत पर होकर जो फाइनल मैच जहाँ पे वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भी कंट्रोवर्सी हो रही है कि अहमदाबाद में ही क्यों, ये सवाल बहुत पूछा जा रहा है। इसमें आपका जवाब क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।